हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आज जिस विषय पर, जिस टॉपिक पर हम आपके साथ बात करने जा रहे हैं, ये आपका बड़ा मनपसंद टॉपिक है। बहुत पसंद कर रहे हैं आप इस कार्यक्रम को हमारे, और हमारी भी पूरी दिल और जान से ये कोशिश होती है कि आपका मार्गदर्शन ग्रहों के स्थिति के आधार पर, जो भी ग्रहों की स्थिति उस समय पर होती है, उस महीने, उसके आधार पर पूरा अध्ययन करने के बाद हमारी कोशिश होती है कि आपका मार्गदर्शन प्रॉपर वे में किया जाए, सही तरीके से आपको जानकारी दी जाए चीज के, मतलब कि भाई किस तरीके की और किस प्रकार की डेवलपमेंट्स आपकी लव लाइफ में होने वाली हैं। तो ये जो कार्यक्रम है, ये राशिफल है, और ये जो राशिफल है प्रिय साथियों, ये मंथली लव राशिफल है, और ये मंथली लव राशिफल जनवरी 2023 का है। तो जनवरी 2023 में जो ग्रहों की स्थिति बनी हुई है या बनेगी, उसी के आधार पर हम आपको ये इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं कि जनवरी 2023 में आपको किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, अगर आप हमें सुनते हैं हर महीने, तो आप भी जानते हैं कि हमारी जो डिस्कशन करने के जो पॉइंट्स होते हैं, वो 5 पॉइंट्स, जिसमें कि नंबर 1 पॉइंट तो हम सिंगल जातकों के लिए डिस्कस करते हैं कि उन, अगर वो सिंगल हैं, उनका कोई अभी मित्र नहीं बना है, तो इस महीने ग्रहों के क्या संकेत हैं, क्या इस बात की संभावना बन रही है कि आपके जीवन में भी कोई आपका मनपसंद साथी आपको मिल पाएगा और आप उसके साथ अपनी फ्रेंडशिप को आगे को लेकर जाएंगे आगे आने वाले दिनों में, या फिर चीज़ें खाली दिखाई देती रहेंगी, महसूस होगा लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं आएगा पक्के तौर पर। तो ये पूरा जैसे भी ग्रहों की स्थिति है, उसके आधार पर आपके साथ डिस्कस करेंगे कि भाई इस प्रकार के रिजल्ट्स बनते हैं इस महीने, उससे आपको अवगत कराएंगे। पॉइंट नंबर 2 जिस पर हम डिस्कस करेंगे आपके साथ, वो होगा कि यदि आप रिलेवेंट रिलेशनशिप में चल रहे हैं पहले से, या आपका अफेयर चल रहा है अपने किसी मित्र के साथ, मेल या फीमेल, तो उनके हालात कैसे रहेंगे, आपकी ये जो मित्रता है रिलेशनशिप वाली या अफेयर वाली, ये कितना और अधिक मजबूत होगी इस जनवरी में, या किसी को किसी की नज़र तो नहीं लग जाएगी आपकी इस मित्रता को, कहीं कुछ विपरीत प्रभाव तो नहीं पड़ने वाला है आपकी मित्रता पर इस महीने। तो ग्रह क्या बोलते हैं, किस प्रकार का रिजल्ट आपको देने जा रहे हैं इस फील्ड में, इसके विषय में भी आपके साथ बहुत खुल करके बात करेंगे। और पॉइंट नंबर 3 होगा, जो मैरिड कपल्स हैं उनका वैवाहिक जीवन, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी जनवरी 2023 में आप लोगों की। और पॉइंट नंबर 4 जिस पर हम डिस्कस करेंगे, वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, कि जिन साथियों का कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, उनके हालात कैसे रहेंगे, उनको ग्रह कितना सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे, या जो अभी तक कहीं नहीं था कहीं उनका अफेयर एक्स्ट्रा मैरिटल, लेकिन इस महीने कुछ माइंड उनका कुछ इस तरीके का चेंज हो जाए कि चलो भाई, जब सामने से ही हमको कुछ इस तरीके का रेस्पॉन्स मिल रहा है तो क्या जाता है, चलो कर लेते हैं, फ्लर्ट कर लेते हैं, तो उसमें आपको कितनी सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसके विषय में भी बताएंगे। और अंत में पॉइंट नंबर 5 होगा, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, यानी कि अगर आप बहुत पहले अच्छी आपकी मित्रता चल रही थी, रिलेशनशिप बहुत अच्छी चल रही थी, एक दूसरे के साथ आपका पूरा तालमेल था, लेकिन किसी कारणवश मित्र आपका छोड़ के चला गया, या आप पीछे हट गए, या आपने दोनों ने डिसाइड किया कि भाई हमको अब अलग हो जाना चाहिए, चलिए हो गए, सब कुछ हो गया, लेकिन अब आपकी इच्छा है कि भाई आप अपने मित्र से दोबारा मिलें, तो क्या मित्र आपको रेस्पॉन्ड करेगा पॉजिटिवली या नहीं, आप मिल पाएंगे, इसकी संभावना बनेगी या नहीं ग्रहों के आधार पर, इसके विषय में भी बताएंगे। तो पहली बात तो आपको ये कहना चाहेंगे हम कि ये जो मंथली लव राशिफल है जनवरी 2023 का, पूर्ण रूप से लग्न राशि पर आधारित है साथियों,
और अभी जो हम चर्चा करने जा रहे हैं आपके साथ अपने दर्शकों की, वो सिर्फ और सिर्फ जो सिंह लग्न राशि के जातक हैं, यानी कि लियो असेंडेंट बेस्ड जातक हैं, उनके विषय में बात करेंगे और जानेंगे अलग अलग 5 पॉइंट्स पे डिस्कस करके कि इस बार कैसे हालात रहेंगे आप सिंह लग्न राशि के जातकों के लिए जनवरी 2023 में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आप सिंह लग्न राशि के जो सिंगल जातक हैं कि इस महीने जनवरी 2023 में आपको ग्रहों की तरफ से, ग्रहों की ओर से क्या मिलने वाला है और किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। प्रिय साथियों, मुझे बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि ग्रहों की स्थिति काफ़ी फेवरेबल दिखाई दे रही है। और देखिए, इतना बात तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, बेशक चाहे आपके दिल और दिमाग में पहले से कोई विचार रहा हो या ना रहा हो, वो जो बात पास्ट की हो गई उनको मैं डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे सामने जो स्थिति है वो जनवरी की स्थिति है ग्रहों की। मैं उसी आधार पर, उसी बेस पर आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। तो इस जनवरी में बहुत अच्छा योग बना हुआ है और ये योग किस प्रकार के रिजल्ट देगा आप सिंगल जातकों को और कैसे अनुभव आपको कराएगा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो देखिए प्रिय साथियों, आप सिंह लग्न राशि के जो जातक हैं, मैं सीधे सीधे बात कर रहा हूँ आपसे। सबसे पहली बात तो ये कि आपकी बुद्धि बहुत प्रखर बुद्धि रहेगी, बहुत किसी भी चीज़ को आप जो सोचेंगे बहुत इंटेलिजेंटली सोचेंगे, बहुत तीव्र बुद्धि काम करेगी आपकी। और दूसरी बात ये कि ये तो मैंने बता दिया कि तीव्र बुद्धि से काम करेंगे आप, बुद्धि आपकी बहुत तेज चलेगी। और दूसरी चीज़ आपको ये भी बताना चाहूँगा कि दूसरे लोग जो आपको देखेंगे सुनेंगे वो भी अप्रिशिएट किए बगैर नहीं रह पाएंगे। अब आप कहेंगे कि इन बातों का उनके साथ क्या लिंक है, मित्रता के साथ पूरा लिंक है। क्योंकि देखिए, जब हमारी पूरी तरह से जो हमारा सेंस है, बुद्धि है, जब हम उसका भरपूर इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं, तो हम डिसीजन भी बहुत एप्रिशिएबल लेते हैं। जब पूरी तरीके से हम चीज़ का एनालाइज हम चीज़ को कर लेते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो कॉन्क्लूज़न पर पहुंचने में भी हमें देर नहीं लगती और जो भी कॉन्क्लूज़न पर पहुंचते हैं वो बहुत ही एक तरीके से बहुत तारीफ़ काबिल होता है, उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। और यहाँ पर कुछ इसी प्रकार की ग्रहों की ओर से संकेत मिल रहे हैं। अब मैं आता हूँ आपकी असली बात पर। ये तो मैंने आपको बताया ग्रहों की ओर से कुछ इस प्रकार के संकेत हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जितने आप इंटेलिजेंट हैं और जितने आप बुद्धिमान हैं सिंह लग्न राशि के जातक, आप जिस मित्र को चाहते हैं या जिसको पसंद करते हैं या जिसको इस महीने पसंद करेंगे, ये मान के चलिए कि वो मित्र भी आपको डिज़र्व करता है और आप उसको डिज़र्व करते हैं। ये होगा फ़ायदा, क्योंकि देखिए प्यार जो होता है ये दिल से होता है ज़्यादातर, तो लोग दिमाग का इस्तेमाल होते हुए भी नहीं कर पाते हैं। ये कुछ स्वाभाविक है, ये कुछ नेचुरल तरीके से ऐसी चीज़ें घटती हैं लाइफ में। कितने ही आप इंटेलिजेंट हैं, कितने ही क्वालिफाइड हैं, कितने ही बुद्धिमान हैं, लेकिन उस समय बुद्धि हमारी एक साइड हो जाती है। जब किसी पर दिल आता है तो आता है, लेकिन यहाँ पर मैं सारी चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब कर चुका हूँ अपने तरीके से, जैसा मैं मान रहा हूँ कि आप हर चीज़ के बहुत डिटेल में जाएंगे, पूरा एनालिसिस करेंगे और जो चीज़ें आप एनालाइज करेंगे अपने मित्र को लेकर के, आपका मित्र 100% आपको डिज़र्व करेगा और आप उसको, ये चीज़ बहुत सिमिलर रहेगी। तो आपका जो भी ये सुनेगा और देखेगा कि भाई ये है उसका मित्र, वो भी अप्रिशिएट करेगा कि भाई चॉइस बहुत बढ़िया है साहब, जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। तो कुछ इस प्रकार का संयोग बना हुआ है प्रिय साथियों ग्रहों का, मौका बहुत अच्छा है, आप आगे बढ़ना चाहेंगे मित्रों का भी, जिसको मित्र को आप पसंद करते हैं या किया हुआ है या करेंगे, उसकी ओर से भी आपको पूरा सहयोग मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। यानी कि जितना रुचि, जितना इंटरेस्ट आपका उसमें होगा,
उससे कहीं ज़्यादा आपके मित्र का होगा, और ये मित्रता बहुत मजबूत स्थिति में जाने वाली है। हालांकि यहाँ पर मैं एक बात और कह दूँ कि इस महीने यानी कि जनवरी 2023 में विवाह का योग तो दूर तक भी कोई नहीं बना हुआ है, तो विवाह संपन्न कर अगर आप तुरंत ही ऐसी कोई प्लानिंग कर रहे हों या करना चाहें कि भाई चलिए हाथों हाथ हम अपनी मैरिज की भी बात कर लेते हैं, अपने परिवार को कॉन्फिडेंस में लेकर के हम दोनों लोग, तो अभी शादी के लिए, विवाह के लिए, मैरिज के लिए तो अभी कोई योग नहीं है इस जनवरी में। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो भी डिजर्व आप करते हैं जिस तरीके के मित्र को, वैसा ही मित्र आपकी पसंद होगी और वैसा ही आपको मिल रहा है और मिलेगा। और उसका भी एक तरीके से अगर हम ये कहें कि यदि आप अपने अगर अभी तक नहीं किया है आपने, आप स्टेप कोई नहीं लिया है तो आप ले लीजिए, ये बहुत ही 24 कैरेट जिसको कहा जाता है गोल्ड, मतलब इतनी शुद्ध मित्रता है ये। ग्रह जो ये योग बना रहे हैं इतना आपको अच्छा मित्र दिलाने की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा। बड़ी अच्छी सोच के साथ आप आगे बढ़िए और बढ़ेंगे, और आपको बढ़ना चाहिए भी। जब इतना अच्छा मित्र आपको मिल रहा है तो आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। जब विवाह का योग बनेगा जिस महीने, हम आपको जरूर बताएंगे, तो आप अभी मित्रता में आगे बढ़ सकते हैं। ये इस महीने बहुत अच्छा मजबूत योग है और बड़ा सुयोग्य मित्र आपको मिलेगा, बहुत इंटेलिजेंट होगा, वेल क्वालिफाइड होगा, सब कुछ अच्छा होगा, यानी कि आपके हिसाब से वो बिल्कुल आपको डिजर्व करेगा और आप उसको, जैसा मैं अपनी इस चर्चा में कई बार यही सेंटेंस यूज कर चुका हूँ, तो इस बात पर आप थोड़ा जरूर गौर करें। आगे बात करेंगे कि जो लिव इन रिलेशनशिप में चल रहे हैं, पॉइंट नंबर सेकंड यही है हमारा, या कहीं अफेयर में हैं आप, तो कितना सक्सेस होगी आपकी ये मित्रता, कितना मजबूती की तरफ आगे बढ़ेगी, और कितना इसको आप एंजॉय कर पाएंगे इस जनवरी 2023 में, कर भी पाएंगे या कहीं कोई बीच में कोई किसी प्रकार की कोई तकलीफ, परेशानी, समस्या या कोई और नया डेवलपमेंट तो नहीं खड़ा हो जाएगा जिसकी वजह से आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ जाए और परेशानियां और आपके लिए सामने आ जाए। तो प्रिय साथियों, यहां पर यह बात मैं आपसे जरूर बता दूं कि देखिए, ये जो रिलेशनशिप है आपकी, जो अगर आप पहले से हैं या अफेयर जो भी है, तो इस महीने कोई बहुत ज़्यादा आप उसको एंजॉय करें या एक दूसरे के लिए बहुत अधिक समय निकालें, कुछ इस प्रकार के हालात तो आपके साथ नहीं होंगे इस महीने, उनकी तो आपको बहुत अच्छी तरीके से कमी महसूस होगी। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि आप अपने मित्र के साथ पूरी तरीके से जुड़े रहेंगे, जुड़ाव रहेगा आपका अपने मित्र के साथ, पूरा लगाव भी रहेगा, दिल से जुड़े रहेंगे, और आपका जो मित्र है उसका भी 100% आपको ऐसे ही रेसिप्रोकेट वो करेगा। तो ये मित्रता बहुत अटूट है, ये कहीं जाने वाली नहीं है आज की जो स्थिति, यानी कि जनवरी 2023 की जो ग्रहों की स्थिति है उसके आधार पर। हाँ, यदि आप कोई मैरिज करने की प्लानिंग कर रहे हैं कि भाई हमें जल्दी मैरिज कर लेनी चाहिए, तो जनवरी 2023 में ग्रहों की ओर से ऐसी इजाज़त नहीं है, ऐसी परमिशन नहीं है, क्योंकि ऐसा योग नहीं है, इसलिए हम ये बात बोल रहे हैं। अगर आप कोशिश करेंगे भी तो उसमें आपको सक्सेस नहीं मिलेगा, सफलता प्राप्त नहीं होगी। लेकिन हाँ, ना एक दूसरे को समय देते हुए भी आपके बीच का जो एक अंडरस्टैंडिंग है, एक जो टेम्पो है, वो बहुत अच्छा रहेगा, चलेगा। मित्रता को लेकर के किसी प्रकार का मुझे दूर दूर तक भी कोई ऐसा नहीं नज़र आता कि जिसको लेकर के कोई समस्या रहे। पूरा महीना आपका बहुत आराम से निकलेगा, आप एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे की रेस्पेक्ट करेंगे, एक दूसरे से प्यार करेंगे। अब तीसरा पॉइंट है हमारा वैवाहिक संबंधों को लेके, कि वैवाहिक संबंध कैसे रहेंगे। प्रिय साथियों, आप सिंह लग्न राशि के जो जातक हैं, मैरिड कपल्स, उनके लिए मैं बताना चाहता हूं कि 1 जनवरी से लेकर 17 जनवरी के बीच का जो समय होगा वो ऐसा होगा कि उसमें आपके जो जीवन साथी है, लाइफ पार्टनर है,
उसके स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी बहुत परेशानियाँ रह सकती हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। और 17 तारीख से लेकर के और माह के अंत तक का जो समय होगा वो आपका वैवाहिक आनंद आप ले पाएंगे, अपना वैवाहिक सुखों का, वो आपका बहुत सही निकलेगा समय, वैवाहिक जीवन बहुत सही रहेगा। और मैंने जैसा कहा कि 17 तक थोड़ा संभाल करके रखिए, थोड़े सचेत रहना होगा आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेके। अब आगे बात करेंगे पॉइंट नंबर 4 पर। प्रिय साथियों, आप सिंह लग्न राशि के जातकों के लिए मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारा पॉइंट नंबर 4 है वो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। यदि आपका पहले से कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में हैं, आप चल रहा है, तो इस महीने आपको मैं बहुत ही सतर्क करना चाहता हूँ साथियों, सचेत करना चाहता हूँ कि ग्रहों का संकेत कुछ इस प्रकार का मिल रहा है कि इस महीने जनवरी 2023 में आपके लिए कोई समस्या ना खड़ी हो जाए, मान सम्मान में आपके कमी ना आ जाए। मुझे इस बात को लेकर के कुछ थोड़ा सा डाउट है, तो इसीलिए अगर आप पहले से हैं कहीं पर भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में, तो थोड़ा सजग मैं आपको करना चाहता हूँ, सचेत करना चाहता हूँ, थोड़ा सावधान रहिएगा। और अगर आप नहीं हैं पहले से, इस महीने कुछ ऐसी डेवलपमेंट की बात है, तो डेवलपमेंट तो होगी, लेकिन साथ ही मुझे आपकी इमेज जो सोशली, उसका मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है कि भाई कहीं वो आपकी खराब ना हो, वो टार्निश ना हो जाए, तो इसलिए इस बात का बहुत ध्यान रखें। व्यक्ति की सबसे पहले उसकी अपनी रेपू है, तो कहीं इतने ना ज़्यादा आप उसमें इन्वॉल्व हो जाएं, या कुछ ऐसा काम ना हो जाए आपके द्वारा कि जिसके कारण आपके मान सम्मान में कमी ना आ जाए इस रिलेशनशिप के वजह से, इसका ध्यान रखिएगा। और अंत में अब बात करेंगे जो सिंह लग्न राशि के जातक नो कांटेक्ट सिचुएशन में है। प्रिय साथियों, यदि आप कहते हैं, मैं सिंह लग्न राशि की बात कर रहा हूं जातकों की, कि भाई आपका मित्र आपसे अलग हुआ था, आप नहीं हुए थे, तो देखिए मुझे तो कुछ ऐसा संयोग नजर आ रहा है ग्रहों के आधार पर कि अगर आप कहते हैं कि आपका मित्र आपसे अलग हुआ था, आप नहीं हुए थे, आपकी ऐसी इच्छा नहीं थी, तो उस मित्र की ओर से ही आपको संपर्क किया जा सकता है, यह संभव है, इस बात की अच्छी संभावना दिखाई पड़ रही है कि आपका ही मित्र आपको संपर्क करने की कोशिश करे। और यहां चीज जो मैं देख पा रहा हूं, यहां दोनों ओर से ही कुछ इस प्रकार की बनी हुई है पर कि आपका मित्र भी आपको संपर्क कर सकता है, इसकी संभावना बहुत अच्छी है, और यदि आप अपने मित्र से संपर्क करना चाहेंगे तो भी आपको उसका पॉजिटिव, लेकिन हो सकता है कि 1 जनवरी से लेकर के 18 जनवरी के बीच का जो समय है, इसमें चीज़ें तो आपको कुछ इसी प्रकार से होती दिखाई देंगी, लेकिन उनमें कुछ साथ की साथ कुछ कमी का भी आपको एहसास होगा कि भाई अब अगर मुझे मेरे साथी ने इसने कांटेक्ट करने की इच्छा जाहिर की है या कोशिश की है, तो ये ऐसा ना करके ऐसा कर लेता तो और अच्छा हो जाता हम लोगों के लिए, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको कुछ कमी का एहसास भी होगा कि भाई कुछ एफर्ट जो है या तो सही दिशा में नहीं हुए, या हुए तो कम हुए, कुछ ज़्यादा और अच्छी बेहतर तरीके से हो सकते थे तो और अच्छा लगता। तो कुछ 18 जनवरी तक इस प्रकार की परिस्थितियां बनेंगी। 18 तारीख से लेकर के और 31 तारीख के बीच का जो समय है ये बड़ा अच्छा समय है, ये आपके लिए बड़ा फेवरेबल टाइम है। अगर आप कोशिश करते हैं अपने मित्र के साथ संपर्क करने की, तो मैं तो यही कहूँगा कि मित्र आपसे पहले आपके साथ संपर्क करने में इंटरेस्टेड रहेगा, तो ये वो समय होगा कि जितना आप इसका लाभ लें उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। आपकी मित्रता को अगर आप रिन्यू करना चाहते हैं तो ठीक है, करिए, ग्रहों का सपोर्ट है। कब से कब तक कितना है और कब से कब तक कितना है मैंने डेट भी आपको बता दी, 1 से 18 तक थोड़ा कम रहेगा उसमें, उसकी इंटेंसिटी कम है, और 18 से लेकर 31 तक की जो इंटेंसिटी है वो बहुत अच्छी है, तो आप इसका समय का लाभ लीजिए।
तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप सिंह लग्न राशि के जातकों का मंथली लव राशिफल जनवरी 2023 का। आपको ये पसंद आया है तो इसको लाइक जरूर कर लें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अधिक से अधिक आप इसको सोशल सर्किल में अपने या फ्रेंड सर्किल में इसको शेयर करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि सिंह लग्न राशि के जो आपके फ्रेंड्स हैं, मित्र हैं, वे भी इसका लाभ ले पाएंगे जानकारी का। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस बनेंगे एस्ट्रोलॉजी पर, उन सब की इन्फॉर्मेशन और वे सारे वीडियोस सही समय पर आपको मिल जाएं, तो फिर इसके लिए देर मत कीजिए, बेल आइकन जो देख रहे हैं इसको जरूर पुश कीजिए। इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता की।